नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज बर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। मेरे पत्रकार साथियों, आप जानते हैं कि जिले में जब भी बात आती है तो भारत के अंदर आज़ाद भारत में आज़ाद नेता की आवाज़ हमेशा जो है सर समाज के लिए उठती रही है। अभी हमारे विधानसभा में गांव जो है पुछड़ा जो है आईमा है और राज्यसभा जो है राजस्व गांव जो है संग्रामपुर है, जहां पर लेखपाल जो है गांव के लोगों से कहते हैं कि आप धारा 24 की पैमाइश के लिए आदेश कराइए। आप बताइए कि 200-300 जनता उस गांव में सभी लोग जो है धारा 24 कराने की क्षमता में है, किसके पास इतनी व्यवस्था है? और जब जो है आपके सीआरओ साहब ने आदेश किया है कि आप जो है एसडीएम साहब को आदेशित किया है कि आप जो है मौके पर टीम गठित करके और आप पैमाइश करवा के सारे चकदारों को जो है उनके रकबा के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से उनका रकबा को पूरा कराया जाए, लेकिन लेखपाल साहब इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। आज ये चिलमिलाती धूप में गांव की जनता वहां से चलकर एसडीएम साहब से बात करने आई है कि आप लेखपाल साहब को आदेशित करें और टीम भी गठित करें कि मौके पर जो है पुछड़ा आईमा राजस्व जो है ग्राम पंचायत आपके संग्रामपुर के सभी ग्रामवासियों को बिना परेशानी के बिना दिक्कत को, ये एसडीएम साहब से मैं निवेदन करने आया हूँ कि गांव के सभी जो है किसानों का चेक जो है सही तरीके से लेखपाल को आदेश करके पैमाइश करा के सबका हक दिलाने का काम करें। नहीं अब कोई लेखपाल होगा आप तो एसडीएम साहब बताएंगे कौन लेखपाल है, गाँव की जनता क्या जानती है बताइए। तो कितने मैले कुचैले कपड़ा पहन के लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ तो लेखपाल को इसलिए बनाया गया है कि गांव की जमीनें 132 लैंड की हो चाहे अब आम पब्लिक की जमीनें हो, सबको संरक्षित करने के लिए बनाया गया, लेकिन लगातार वो लेखपाल की ये जो है लापरवाही के दोतक हैं लेखपाल साहब कि अभी तक वो गांव के लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए। कागज तो लेखपाल के पास होता है 41-45 खसरा खतौनी उनके पास होता है, गांव की जनता को भाग भाग तहसील आना पड़ रहा है। कितने अपाहिज हैं बेचारे रास्ते में गिर रहे हैं, कितने नाबीना हैं वो बेचारे जिले पर नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं एसडीएम साहब से कहने आया हूं कि अपाहिजों का, अपंगों का और नाबीना आंखों के सबकी आवाज बन जाओ और गरीब को फिर दोबारा आपके दरबार में आना न पड़े, और नहीं तो ये आंदोलन का रूप लेगा, आने वाला कल इससे भी बड़ा होगा, आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आजमगढ़ की धरती सोफी संतों की धरती है, यहाँ पे बड़े से बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना जानते हैं। अगर बात बन गई तो हम धन्यवाद करते हैं जिला प्रशासन का, अगर बात नहीं मानी गई तो आर पार की लड़ाई में हम किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ पत्रकार साथियों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।